हेलो फ्रेंड्स, रसोई मीना की चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम सहजन का सब्जी बनाने जा रहे हैं। हम लोग सहजन बोलते हैं, कहीं कहीं पे मुनगा उनको बोला जाता है। सहजन की सब्जी में बहुत सारा तत्व है जो ये बीमारी से लड़ने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो सहजन के पत्ता भी पिए जाते हैं जो कि डेंगू काटते हैं तो यही बचाते हैं। सहजन के पत्ता से उनका जान बचता है, डेंगू से राहत मिलता है। तो सहजन हर तरह से फायदा है। हम सहजन की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो सहजन को हम देखिए 250 ग्राम सहजन लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लिए हैं और कुछ सहजन को हम रखे हैं कि आपको हम दिखाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से उनको लिए हैं और यहाँ से बहुत ही खींचा है, छोटे छोटे सहजन लिए हम बच्चा। तो ये सहजन लिए हम, बाद में हम तोड़ लेते हैं, हम आपको दिखाए हैं। इनको भी अच्छे से धो लेंगे। और सहजन में डालने के लिए हम 2 आलू लिए हैं। 2 आलू हम छील करके अच्छे से ले लिए हैं। इनको हम छोटे छोटे काट लेंगे पीसेस में। और 2 टमाटर अच्छे से धो ले रहे हैं। 2 आलू 2 टमाटर लिए हैं। और मसाला हम दिखा दे रहे हैं आपको। मसाला में हम होम मेड 1 बड़ा चम्मच मसाला लिए हैं। ये सरसों का पेस्ट है, पीली मस्टर्ड उनका पेस्ट है, हल्दी कलर के लिए, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 बड़ा चम्मच। आवश्यकता अनुसार हम डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले सहजन को तोड़ के अच्छे से कर लेते हैं। इस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई और हम सहजन को अच्छे से धो लिए हैं और आलू को भी हम अच्छे से धो लिए हैं। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे, फिर सहजन को फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में हम डालते हैं सरसों का तेल फ्राई करने के लिए। अच्छे से गर्म हो गए हैं, हम डालते हैं आलू। पहले फ्राई करेंगे, देखिए आलू को हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छे से देखिए फ्राई हो गए हैं। हम इनको तेल टघार करके निकाल लेते हैं बॉल में इस तरह से। अब हम सहजन को फ्राई करेंगे। देखिए अब हम सहजन को इसमें तेल में डाल देते हैं। सहजन को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, कम ही फ्राई करेंगे। तो हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि पूरा ब्राउन हमको नहीं करना है, बस आधा कच्चा आधा पका। तो हम इनको निकालते हैं, तेल संगरा लेते हैं, अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम निकाल लेते हैं। सरसों मस्टर्ड, पीली मस्टर्ड तड़के के लिए, और 1 सूखा मिर्च जिसे मैं 2 टुकड़े में तोड़ दी। अब चटक जाते हैं तो हमें डालेंगे टमाटर। तो अच्छे से सरसों मस्टर्ड चटक गए हैं, डालते हैं टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर गलने के लिए बस थोड़ी सी नमक। थोड़ा गल जाए टमाटर तो हम मसाला डालते हैं। तो आधे टमाटर गल चुके हैं, इनमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, होममेड हम घर में ही बना लेते हैं, पीस लेते हैं मिक्सी में। और इसी के साथ हम मस्टर्ड भी पेस्ट जो हम बनाए हैं मिक्सी में उनको भी हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही भूनने में थोड़ा समय लगते हैं। तो इनको अच्छे से हम फ्राई कर देते हैं, 2 से 3 मिनट चलाएंगे हम। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और मस्टर्ड का, सरसों का पेस्ट अच्छे से थोड़ा फ्राई हो गया है। मैं डालते हैं मसाला जो हम 1 बड़े चम्मच लिए थे, और डालते हैं नमक। इसी में डाल देंगे हम हल्दी। हल्दी हम इतना ही लिए थे जितना हमको ज़रूरत है। तो अब नमक डाल देते हैं हमने। सब्जी में हम कोई नमक नहीं डाले हैं तो स्वाद अनुसार नमक। अब थोड़ा सा हम पानी डाल के 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाला को हम पका लेंगे। मसाला पकने देते हैं, फिर सब्जी को। मसाला अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तेल निकलना शुरू हो गए हैं और सौंधी खुशबू भी आ गए हैं, कच्चा स्मेल है। अभी में हम डाल देते हैं आलू और सहजन और अच्छे से हम इनको चलाएंगे। चला के बिना पानी के अभी 2-3 मिनट
ढक के पकने देंगे इनको हम। तो आइए हम ढक देते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, हम देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। देखिए अभी हम डालते हैं 20 लीटर के पानी, टोटल 250 ml पानी है। तो हम जरूरत के अनुसार पानी लेंगे इनमें, और नीचे में जो मसाला है उनको अच्छे से छुड़ा लीजिएगा। देखिए इस तरह से बनाइएगा सहजन आलू का सब्जी, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगा। अब हम पानी में नहीं डालेंगे, हल्का ग्रेवी रखेंगे और हम प्लेट से ढक देते हैं। देखिए पूरे 5 मिनट हम इनको छोड़े हैं। तो आलू और सहजन का सब्जी में हमको ग्रेवी चाहिए। ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। गैस के फ्लेम हम ऑफ करते हैं। अब गार्निशिंग के लिए हम एक बॉल में गार्निश करेंगे। हम कढ़ाई को हम अच्छे से उतार लेते हैं। इसी बॉल में हम गार्निशिंग के लिए निकालेंगे सब्जी। देखिए ये खास करके रोटी चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस तरह से खाइएगा, तो इस तरह से बनाए सब्जी। बहुत लोग बोलते हैं कि सहजन आलू सहजन भूनने में फ्राई करने में कच्चा रह जाता है, तो आप इस तरह से बनाएं, आपका सहजन बिल्कुल भी कच्चा नहीं होगा और आलू और टेस्टी होगा। टमाटर और सहजन का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबू अच्छा आ रहा है। खाए नहीं है इसलिए टेस्ट नहीं बता रहे हैं, पर बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इस तरह से बनाइए और खाइए चावल और रोटी के साथ आलू और सहजन का सब्जी। सहजन तो हम बता ही चुके हैं कि बहुत ही फायदेमंद है, सिर्फ स्वाद में ही नहीं अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इनको ज्यादा से ज्यादा खाएं और स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। तो कैसा लगा हमारा सहजन आलू का सब्जी आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में आते हैं कि सहजन आलू एक साथ फ्राई करने में सहजन कच्चे रह जाते हैं, तो आपको आज से सहजन कच्चे नहीं रहेंगे। आप सहजन को पहले फ्राई कर लीजिए आधा कच्चा, आलू को फ्राई करके निकाल लीजिए, उसके बाद मसाला जैसे हम दिखाए हैं उस तरह से आप बनाइए और खाइए, तो आपका सहजन आलू कोई भी कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से बनाइए और खाइए और फिर कमेंट कीजिए। और अच्छा लगे हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन बिल्कुल फ्री में आता है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा तो आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा, तो देख करके बना लीजिएगा आप। तो इस तरह से हम नई नई रेसिपी लेकर के आते रहेंगे। एक लेकिन हम खबरी ऐप पर फूडी जोन में ऑडियो बोलते हैं, अगर आपको लगे कि हमको सुनना है, सुन करके बनाएंगे, तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हेडफोन लगा लीजिए कान में, किचन में काम करते रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए, बनाते रहिए। बहुत ही तरीका अच्छा है जो कि आप भूल नहीं सकती हैं। तो इस तरह से बनाइए, वहां भी बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सुनने के लिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहां भी रसोई मीना की सर्च कीजिएगा तो हम आपको मिल जाएंगे। वहां भी फॉलो शेयर लाइक कर दीजिएगा। टिकटॉक पर भी है, वहां भी आप फॉलो शेयर लाइक कर दीजिएगा भाई। और लेकिन रसोई मीना की, तो फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।